हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं KVS PRT इंटरव्यू में कौन कौन से ऐसे जनरल क्वेश्चंस हैं जो हर किसी कैंडिडेट से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से याद कर लेना और फिर अपने अपने अकॉर्डिंग इनके आंसर्स लिख के तैयार कर लेना, क्योंकि अगर आप ऐसे वर्बली ही इनका आंसर्स देने लगोगे और वो भी इंग्लिश में, तो आप ज़रूर उसमें पजल हो सकते हो। तो इसलिए इनके आंसर्स अपने अपने अकॉर्डिंग तैयार करके लेकर जाने हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर इंग्लिश में ही तैयार करते हैं तो वो आपके लिए बेटर रहता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन का आंसर तो आप जानते ही हो कि आपको क्या देना है। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में आपको अपने बारे में बताना है, माई नेम इज़ दिस, आई एम फ्रॉम दिस स्टेट या डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम अ टीचर। इसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों टीचर ही क्यों बनना चाहते हैं, किसी और पैशन में क्यों नहीं गए। अगर आपने बीटेक एमटेक रखी हो तो बिल्कुल अच्छे से ये क्वेश्चन आपको तैयार होना चाहिए कि आपने टीचिंग जॉब को ही क्यों चुना। अगर आपने इंजीनियरिंग में की हुई है थी, अगर मेडिकल ली थी आपने, तो भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन द KVS। आप KVS को ही ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं? इसके लिए आपको इसका आंसर तैयार करना पड़ेगा कि आप नवोदय में क्यों नहीं गए, आप कोई स्टेट की जॉब में क्यों नहीं गए, ओनली KVS की जॉब आपको क्यों चाहिए। तो इसको भी आपको KVS के प्रति लॉयल होते हुए इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू रेडी टू वर्क इन एनी स्टेट। क्योंकि KVS में जब आपको जॉब मिलती है तो पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट में आपको काम करना पड़ सकता है, तो इसीलिए आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है कि क्या आप इंडिया के किसी भी स्टेट में काम करने के लिए तैयार हैं। अगर आप यही कहोगे मैं मेरे स्टेट को प्रेफर करूंगा तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, तो आपको पॉजिटिवली इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू टेक केयर ऑफ ए किड दैट हैज़ कम फ्रॉम एब्रॉड। आप उस बच्चे की केयर कैसे करोगे जो एब्रॉड से आए हैं, तो मे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि वहाँ जो केंद्रीय विद्यालय में दूर दूर से बच्चे, मतलब पूरे देश में या दूसरे देश के भी बच्चे हो सकते हैं, एक या दो केस भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो आप उसके साथ कैसे ट्रीट करोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हाउ विल यू मैनेज अ लेजी स्टूडेंट। आप एक ऐसे स्टूडेंट को कैसे मैनेज करोगे जो बहुत ही सुस्त रहता हो क्लास में, तो इसका आंसर आपके पास होना चाहिए कि आप कोई टीचिंग एड यूज़ कर सकते हैं, उसको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा सकते हैं, नई नई शिक्षण विधियाँ यूज़ कर सकते हैं। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन योर स्वॉट। स्वॉट मीन्स स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज, T फॉर थ्रेट। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, वीकनेस पता होनी चाहिए, आप कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज ऐसे ही मतलब चाहते हैं, ठीक है। थ्रेट का मतलब आपको पता होना चाहिए। ओके, अपॉर्चुनिटीज का मतलब हो सकता है कि टीचर्स के अंदर वो कौन सी कैपेसिटी हो सकती है एक्सप्लोरिंग, जो कोई कुछ न्यू एक्सप्लोर करने के लिए उनको अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत हो, तो उसमें फर्स्ट हम यहाँ आ जाता है, गेट हेल्प ऑन प्रोजेक्ट्स, पर्पज़ वर्किंग ग्रुप्स, गेट टेस्टर्स फॉर न्यू आइडियाज़ और प्रोडक्ट्स, क्रिएट ए टीम टू वर्क ऑन एन आइडिया यू हैव, शेयर योर एक्सपर्टाइज और बेस्ट प्रैक्टिस इन अ पर्टिकुलर फील्ड। ओके, और थ्रीट का मतलब क्या हो सकता है, ये रेफर करते हैं उन फैक्टर्स को जो पोटेंशियल लगते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हार्म करने के लिए। यानी सबसे ज़्यादा आपको डर किस बात का रहेगा, आपकी जॉब के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, आपको अपने लिए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अ ड्रॉट इज़ अ थ्रीट फॉर टू अ वीट प्रोड्यूसिंग कंपनी। ओके, एक वीट प्रोड्यूसिंग कंपनी के लिए जो है सूखा जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, इसके लिए थ्रीट हो सकता है, क्योंकि इसके लिए वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी सारी क्रॉप यील्ड। तो कॉमन थ्रीट जो एग्जांपल्स हो सकते हैं उसमें क्या आ सकता है कि महंगाई हो गई, राइजिंग कॉस्ट फॉर मटेरियल्स, इंक्रीजिंग कंपटीशन, कि कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, वो भी आपके मन में एक डर है कि इतना ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है तो हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, एंड टाइट लेबर सप्लाई। तो लास्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाउ विल यू इवेल्युएट अ स्टूडेंट, कि आप एक स्टूडेंट को किस तरह इवेल्युएट करोगे। तो इसका आंसर आप अपने अकॉर्डिंग ये दे सकते हो कि हम उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट, उसका कैसा रहा क्लासरूम के अंदर, उसकी एग्ज़ाम को एनालिसिस करके बता सकते हो, उसका इन्वॉल्वमेंट कैसा रहा क्लासरूम के अंदर, ओवरऑल उसका बिहेवियर कैसा था, डिसिप्लिन उसका कैसा रहा, एंड पर्सनैलिटी उसकी किस तरह की रही। तो इस तरह से आप ओवरऑल इवेल्युएशन करके उसका
आंसर दे सकते हो। तो ये तो सारे आपको मैंने आज क्वेश्चंस एक्सप्लेन करे हैं, एक एक करके हम इसके आंसर्स के बारे में बात करेंगे कि हम इसका आंसर किस तरीके से अच्छे से आंसर दे सकते हैं। यू लाइक द सेशन, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।